यात्रा शांति थी क्रांति तरफ आवती काल नू पूज्य गुरुदेव नू छेल्लू प्रवचन छे दाहोद मुकामे सांजना शिबिर यथावत राखवामां आवी छे 4-5 अने त्यार बाद गुरुदेव अत्रे थी प्रस्थान करशे अने एमपी तरफ विहार करशे हवे एमनी अनुकूलता प्रमाणे सीमंदर स्वामी मंदिर के पछी जालद मुकामे तेओ स्थिरता करशे। गई कालनी जाहेरात मुजब पूज्य श्रीनु एक सुंदर पुस्तक सरस्वती लब्ध प्रसाद जे 700 रुपया नू पुस्तक फक्त 100 रुपया मां मुकायु छे वधुमां वधु श्रावक भाईओ बहेनो अने मेहमानोए एनो लाभ लेवा माटे नम्र विनंती छे। रत्नत्रयी ट्रस्ट ना लाइफ मेंबर थवा माटे 5,000 ना बदले फक्त 3,000 मां लाइफ मेंबरशिप 2,000 रुपया नो डिस्काउंट गई काले 40 मेंबरो थई गया छे। आजे तेनो यथाशक्ति लाभ लेवा माटे सौने नम्र विनंती छे। हवे आज आज अत्रे पधारेला मेहमानों माटे बहारथी पधारेला मेहमानों माटे नौकारसी अने गोचरीनी अरे स्वामी वत्सलनी व्यवस्था राखी छे सौए लाभ आपीने जवा माटे विनंती छे। हवे આવતીકાલે આપણા જે વર્ષી તપના 8 તપસ્વીઓ છે ગયા વર્ષના આ ચાલુ વર્ષના નહીં જેને વર્ષી તપના પારણા કર્યા છે એ 8 તપસ્વીઓને આવતીકાલે આપણે બહુમાન કરવાનું છે એમના નામ હું વાંચી સંભળાવું છું
શ્રી વિશાલ અભયકુમાર ભણસાળી, શ્રીમતી સુનીતાબેન સુનિલકુમાર કટારિયા, શ્રીમતી કલ્પનાબેન શરદભાઈ શાહ, શ્રીમતી જ્યોતિબેન હિતેશભાઈ શાહ, શ્રીમતી ઇન્દુબેન અશોકભાઈ ભણસાળી, શ્રીમતી રૂચિતાબેન ઉત્કર્ષભાઈ શાહ, શ્રીમતી મનીલાબેન પંકજકુમાર મહેતા અને શ્રીમતી સુભદ્રાબેન હિતેન્દ્રકુમાર નાગોરી. આ સૌને ખાસ વિનંતી કે આવતીકાલે બરાબર 9 વાગે અત્રે આગળ એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. શરૂઆતની 10-15 મિનિટ પૂજ્યશ્રી આપણને આપે છે, એ સમય દરમિયાન આપણે તેમનું બહુમાન કરીશું, એટલે ચોક્કસ સમયસર પધારવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. મિતેશ કુમાર, પૂજ્ય ગુરુદેવ માટે 4 લાઈન ગાશે. परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन. अत्रे विराजित साधु जी भगवंत एवं साध्वी जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र. मेरी ताकत तो नहीं कि मैं गुरुदेव के गुण गा सकूं, फिर भी मैंने प्रयास किया है. हेलो. सातो सागर से स्याही भर कर भी इंद्रधनुष रंग मिलाओ, सोने चांदी का रस भी मिला कर के स्याही रंगत बढ़ाओ. एक एक अक्षर अंबर पर लिख कर हीरो से उनको सजाओ. सदिया गुजरे गुरु गुण लिखते फिर भी मैं लिख नहीं पाऊं. हो शब्दों से कैसे उपमा से कैसे करूं मैं गुरु का वखान. मेरे गुरुवर रत्न सुंदर इतने जो महान, हो अंबर से ऊंचा संयम जिनका सागर से गहरा है ज्ञान. मेरे गुरुवर रत्न सुंदर इतने जो महान, हिमालय भी बोना लगता है जब जब गुरु गुण शिखर में देखूं. दुर्लभ रतन भी कंकर लगे जब गुण खान गहरी में देखूं. सारे के सारे तारे गिने पर गुरु गुण गिन नहीं पाऊं. बादल की बूंदों से मोती बने पर गुणमाला कैसे बनाऊं. हो शब्दों से कैसे उपमा से कैसे करूं मैं गुरु का वखान. मेरे गुरुवर रत्न सुंदर इतने जो महान. ढेर सारे प्रश्न हैं. पहले शायद हर प्रश्न के केंद्र में व्यक्तिगत समस्या वो है, जीवन में प्रसन्नता, मजा, आनंद, सुख क्यों नहीं है. आज एक अलग एंगल से आपके सामने वो बात रखना चाहूंगा. थोड़े नजदीक आ जाओ, पंखा की हवा नहीं होगी तो चलेगा. एक वाला किसी गाय को लेकर के आगे जा रहा था. गाय के गले में रस्सी थी और रस्सी को लेकर के ग्वाला गाय को खींच रहा था. और वही रास्ते पे एक सन्यासी अपने शिष्यों को लेके जा रहा था और सन्यासी ने शिष्यों को खड़ा रख करके कहा,
ये ग्वाला जो गाय को लेके जा रहा है उसमें मालिक कौन है और गुलाम कौन है? शिष्यों के चेहरे पे हंसी आ गई। गुरुदेव ये भी क्या प्रश्न है? मालिक वाला है, वो गाय को जहां ले जाना चाहता है वहां गाय को जाना पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब गुरुदेव ने दिया। इतना आसान होता तो मैं तुम्हें ये प्रश्न नहीं पूछता, मगर बहुत बड़ी दिक्कत की बात आज अभी आपको बताना चाहता हूं। और गुरुदेव ने इतना ही कहा कि ग्वाला के हाथ में जो रस्सी है वो रस्सी यदि छोड़ दे या तो छूट जाए, तो गाय के पीछे ग्वाला भागेगा कि ग्वाला के पीछे गाय भागेगी? कौन किसके पीछे भागेगा? यदि गाय इंडिपेंडेंट होगी और ग्वाला इंडिपेंडेंट हो गया, रस्सी गई, तो जहां गाय जाएगी वहां ग्वाला को जाना पड़ेगा या ग्वाला जहां जाएगा वहां गाय को जाना पड़ेगा? आपका जवाब, गाय जहां जाएगी वहां ग्वाला को जाना पड़ेगा। तो सीधा प्रश्न का जवाब यह है, जो भागता है वो मालिक है, जो भगाता है वो मालिक है, जो भागता है वो गुलाम है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ। हम परमात्मा के पीछे भागते हैं क्योंकि परमात्मा मालिक है, हम परमात्मा के सेवक हैं। आप एक बार आपको अपने आप को चेक करोगे आप किसके पीछे भागते हो। आपको जो भगाता है वो आपका मालिक, और आप यदि भागते हो तो आप इनके गुलाम। और उसी चीज को लेकर के आज बहुत कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी में दुख क्यों है, मस्ती क्यों है, प्रसन्नता क्यों नहीं है, आज इनका चार सीढ़ी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर एक, मेरे मन में जो भी नेगेटिव अप्रोच आता है उनका सर्जक मैं खुद हूं। एक बार समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर देना। यहां बैठने वाले किसी के मन में भी ये प्रश्न है तो प्रश्न बुना। मैं चार सीढ़ी की बात करना चाहता हूं। नंबर एक, मेरे मन में चाहे नेगेटिव सोच कोई भी आती है इनका सर्जक मैं खुद हूं, इनका क्रिएशन मेरा खुद का है। हम ये कई लोगों के मन में ये कि बहुत लोग आते हैं ये प्रश्न में भी, कई लोगों का प्रश्न है माना साहब, मन में गलत विचार बहुत आते हैं, बराबर है ना? आई वुड लाइक पास यू, पहले नंबर में ये कंसेप्ट क्लियर कर दो, गलत विचार आते हैं कि गलत विचार तुम लाते हो? पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दो, आते हैं कि लाते हो? क्या हुआ? पहले ये नहीं, पहला ये कंसेप्ट मेरे दो में से एक जवाब चाहिए। गलत विचार अपने आप से आते हैं या हम गलत विचार लाते हैं जानबूझकर? तो फिर ये शिकायत करने की जरूरत क्या है कि मानस साहब दिमाग में बहुत गलत विचार आते हैं? एक बार बताऊं, आपका घर हो ना, घर में गंदगी पैदा होना आपके बस की बात नहीं है। घर में गंदगी कहीं ना कहीं, दरवाजा बंद करो तो भी कचरा कहीं से आएगा। शरीर में गंदगी पैदा करना आपके बस की बात नहीं है। शरीर में गारंटी के साथ गंदगी पैदा होकर ही रहेगी, बराबर है? शहर में गंदगी होती ही है, शरीर में भी गंदगी होती है, मगर मन को गंदा करना किसी के बाप की ताकत नहीं, यदि मैं परमिशन नहीं देता हूं तो, बराबर है? हम ये पक्का करके चले, शरीर में गंदगी मैं नहीं चाहता हूं फिर भी पैदा हो सकती है, मगर मेरे मन में गंदगी मेरी सम्मति बिना पैदा करने की किसके बाप की ताकत नहीं। एग्री? नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, शरीर में गंदगी पैदा मेरी इच्छा बिना होती है? जब मन में गंदगी मेरी इच्छा के साथ ही होती है तो मैं गंदगी का क्रिएशन करने के लिए क्यों तैयार हूं? व्हाई आई एम रेडी फॉर दैट? साइकोलॉजिकल चार स्टेप की बात करना चाहता हूं। हमारे जीवन में मस्ती ही मस्ती, मस्ती मस्ती बन सकती है, और यदि यह नहीं हुआ तो जीवन में तबाह मच जाएगी, इतने दुख हो जाएंगे। यहां बैठने वाले सभी को मेरा प्रश्न है, शरीर की गंदगी मेरे बस की बात नहीं है, मन की गंदगी मेरे बस की बात है, और यदि मैं गंदगी नहीं चाहता हूं तो फिर मैं क्रिएशन क्यों करता हूं?
पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, या तो आप ये बोल दो कि मानस साहब वी आर इंटरेस्टेड इन डर्टी थॉट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन डर्टी थॉट्स, गलत विचार करने के लिए, गंदे विचार करने के लिए, बुरे विचार करने के लिए मानस साहब वी आर इंटरेस्टेड। आपके पास कोई जवाब में चार स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा, ये हर प्रश्न का जवाब शायद इसमें आ जाए, ऐसी संभावना है। मेरा बेटा मेरी मनी मानता है, पत्नी मेरी नहीं मानती, छोड़ो यार, आपको मैं बताऊं, आपका बेटा आपकी पत्नी बहुत दूर की बात है, आपका खुद का मन आपकी मानता है क्या? जो आप बोलते कि गुरुदेव मेरा खुद का मन है, तो मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहूं, आप मन में गंदगी पैदा क्यों करते हो? अर्पण जवाब जी, why you are interested in these dirty thoughts, wrong thoughts, bad thoughts? क्या बोला? चाहे कितना भी वातावरण गलत हो, मगर if you are not interested, आपके मन पर कब्जा करने की वातावरण की कोई ताकत नहीं, यही वातावरण में हम रहते। कोई मन में ऐसा गलत विचार आता नहीं। मैं आज गंभीर बात इसलिए करना चाहता हूं, यदि आपने ये नहीं समझ लिया ना, तो सुसाइड करने का मन होता रहेगा। तुमने मालूम है ऐसे सुसाइड करने को लोगों को देखा है, जब लगता है ऐसी छोटी चीज में सुसाइड करने की जरूरत क्या थी, मगर वो कर दिया। और इससे भी ज्यादा दुख की बात के बीच में जीवन हैप्पी, दिल्ली में दो भाई मेरे प्रवचन में आते थे, स्थानकवासी भाई, और दूसरे दिन जब प्रवचन में आया तो बाजू वाले ने बता दिया, मानस साहब ये दो भाई ने कल जबरदस्त पराक्रम किया। मैंने बोला क्या? मानस साहब कल प्रवचन में बैठे थे, और प्रवचन में बैठने के बाद मानस साहब मोबाइल फोन की स्विच ऑफ कर दी थी। प्रवचन में से जाने के बाद पता चला कि पूरी फैक्ट्री चल चुकी है, मैं 10 बैंक बंद कर दो, 10-12 साल पहले की बात करना चाहता हूँ, मानसा फैक्ट्री पूरी की पूरी चल चुकी थी। ये देखो, आप इस व्यक्ति के पक्ष में आप खुद को खड़ा रख करके सोचना, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है। मानसा जैसे ही हम गए ना, फायर ब्रिगेड वाले आ चुके थे, फैक्ट्री चल चुकी थी, बचाने का चांस कुछ नहीं था। सबसे पहले प्रश्न वहां जाकर के मैंने इतना ही कहा, अपनी फैक्ट्री में 70 लोग काम करते थे, सब सेफ, और सीधा जवाब मिलेगा सब सेफ। मारे साहब लगा कि परमात्मा की कृपा चमके बरस रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, फैक्ट्री चल चुकी, उनका कोई दुख नहीं था, 70 लोग में से कोई भी नहीं मरा, इनका आनंद था, और थॉट ये थी प्रभु की परम कृपा बरस रही है कि 70 में से कोई भी नहीं मरा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी नजर कहां? बच गए उनका आनंद कि फैक्ट्री जल गई उनका दुख? एक बात सीधी बात, आपके सामने दो विकल्प है, और 10 साल पहले की बात करना चाह रहा हूं, करीबन 2 करोड़ की फैक्ट्री थी, 2 करोड़ की फैक्ट्री, वहां कोई अंदर में मानस से कोई कंपन पैदा नहीं हुआ है। 2 करोड़ की फैक्ट्री जल जाने के बाद कल क्या होगा? और दूसरी बात, बीमा की पॉलिसी नहीं थी, नहीं कुछ गलत फहमी मत करना, 2 करोड़ की फैक्ट्री के बाद बीमा की कोई पॉलिसी नहीं थी कि चलो 2 करोड़ आ जाएंगे, नथिंग एल्स, सब कुछ गया था। मगर मानस साहब इतने प्रवचन सुनने के बाद पहले नंबर में विचार यह आया, भगवान की परम कृपा 70 लोग बच गए, फैक्ट्री चलने का कोई दुख नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं, गलत सोच इनका सर्जक मैं खुद हूं। मैं 4 स्टेप की बात करना चाहता हूं, नो वन कैन बाउंड मी, पूरी दुनिया में मुझे गलत सोच के लिए कोई बाउंड नहीं कर सकता है, इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नौकरी करने के लिए आपको कोई बाउंड कर सकता है? सारी दुनिया में हर चीज के लिए कोई आपको बाउंड कर सकता है, मगर यदि मैं नहीं चाहता हूं, तो मेरे मन में बैड सोच, रॉन्ग सोच, डर्टी सोच कोई नहीं ला सकता है। हम यहां से तैयार है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली माइंड। चलो आगे, एनी आंसर फ्रॉम यू। आप कभी यह मत बोलना कि महाराज साहब मन में खराब विचार खूब आवे छे, इतने बोलो महाराज साहब खराब विचार हूं पोते खूब करू छू।
अगर आज सत्य हो तो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। आज आपको आपसे जवाब चाहता हूं। यदि गलत विचार का सर्जक मैं खुद हूं और वो सर्जन के लिए कोई मुझे बाउंड नहीं कर सकता है तो मैं गलत विचार क्यों करता हूं? सदन में जवाब चाहिए। इस सभा में जो भी बैठे उन सभी को बोलने की छूट है। चार स्टेप की बात करूंगा, ये तो पहले नंबर का स्टेप है। मैं गलत विचार का सर्जक हूं, क्रिएटर। अब नहीं बता पाएंगे क्यों। अर्पण जवाब चाहिए। पढ़े लिखे लोग हो, क्या हुआ? क्या हुआ? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको गलत विचार पसंद नहीं है, गलत विचार को लेकर के तुम दुख महसूस करते हो, तो गलत विचार तुम करते क्यों हो जब आपके बस में है तब? मेरा सीधा प्रश्न है, आप यदि चाहते नहीं हो तो फिर सर्जन क्यों करते हो? क्योंकि नो वन कैन बाउंड यू फॉर दिस। क्या स्वार्थ और क्या लालच है दुखी होने में? गलत विचार क्यों करते हो? स्वार्थ और लालच होती तो गलत विचार, ये तो पहले ये बताओ, तुम दुखी होना चाहते हो कि सुखी रहना चाहते हो? क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन, दैट मीन्स व्हाट? गलत विचार में आपको संतोष आता है, आनंद आता है, मजा आती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप गलत विचार आपको यदि दुखी करता है तो आप जानबूझकर के क्यों करते हो? मैं इतना ही तो कहना चाहता हूं। एक बार सीधी बताऊं, आप जला देती है, आप नहीं चाहते, फिर लकड़ा आग वाला तुम पकड़ते क्यों हो? बस इतना जवाब दो। यदि जिस लकड़े में आग लगी है वो लकड़ा तुम सीधा उठाते हो और फिर जलते हो और फिर चिल्लाते हो, तो किसने तुम्हें बाउंड किया ही जले हुए लकड़े को पकड़ने का? क्या है अभी जाए लाओ जो पहले आज ने की करो अभी जाए क्या दिया अभी है आसमान मदी सर बोलो आप कमजोर हो मगर मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं नबड़ाई क्या है? शरीर नहीं नबड़ाई हो तो रोग आवे, मन नहीं नबड़े नो प्रश्न नहीं, तमे सामे चढ़ी ने गलत विचार करो छो केम? आटलो ज प्रश्न छे। જતો નથી ની તમે પકડીને બેઠા છો, જતો હું चार स्टेप की बात याद हो, पहले में ही रुक गए। देर इज नो आंसर। एक बात बताऊं, ये 2 करोड़ की व्हाट इज फरीमर को गम्मे तेवा माहौल में तुम्हें जीवता हो ये माहौल नहीं तुम्हारा शरीर ऊपर असर थी सके, मन ऊपर असर तमें लेवा मांगो तो थाय, बाकी कोई नहीं करी सके। आई एम नॉट ग्रेट। ये प्रदूषण में रहने वाले को अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाल पाए ऐसा हो सकता है? धुआं है, हर चीज की गंदगी, तो वो अच्छा आदमी भी किसी डिसीज का शिकार हो सकता है। बट इफ ही इज नॉट रेडी फॉर रॉन्ग थॉट्स, किसी की ताकत नहीं उनको गलत विचार में ले जा सके। हमारा सत्संग नहीं क्या जरूर है, आग ने ना पकड़ी मत। पहला मत तुमने उन्हें रोकी दी आज। अभी
में आगे चलो वो 2 करोड़ की फैक्ट्री चलने के बाद महाराज साहब 70 लोग बिहार और यूपी के फैक्ट्री में नौकरी करते थे। सभी को बुलाने के बाद कहा कि मैं तो गया था प्रवचन में और ये हादसा हो गया, और तुम सबको मालूम है ना कि 12 महीने में कभी कभी तुम अपने गांव पे जाते हो मगर 6 महीने में एक बार आपको छुट्टी मिलती है। परमात्मा की परम करुणा, आप सब बच गए। ये जो फैक्ट्री गई ना वो तो कल और भी नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। मगर एक बार बताऊं, इस फैक्ट्री को खड़ी करने में करीबन 1-2 महीना तो फिर भी लग जाएगा। तो मैं तुम सबको कहना चाहता हूं कि 2 महीने के लिए तुम सब बिहार में जाएंगे, यहां से जाने आने का किराया आपको मैं देता हूं और 70 लोगों को 2 महीना का एडवांस पेमेंट दे देता हूं। परमात्मा की परम करुणा, माँ बाप को मिलने का, पत्नी को बेटे को मिलने का आपका योग होगा, इसलिए आपको बचाया। मेरी फैक्ट्री मेरा प्रश्न था मगर माँ बाप को मिलना तुम्हारा सौभाग्य था। आप सब एडवांस पेमेंट लेके जाओ। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अपनी चली हुई फैक्ट्री के बाद ये सोच हो सकती है क्या? चलो कमेंट मत करना प्लीज, नो कमेंट। मगर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, इसी प्रवचन की समाप्ति के बाद आपके चप्पल को यदि उठा गए, नो कमेंट प्लीज। नहीं मजाक मत करना, मैं आपको सिर्फ इतना 70, 80, 100, 200, 500 रुपए के चप्पल में भी पॉसिबल आपका कोई उठा गया और शाम के समय में आपको कोई मिले और वो यदि आदमी आपको पूछे आज का प्रवचन कैसे रहा, मैं पूछूं आप प्रवचन की बात करेंगे चप्पल की बात करेंगे? नहीं। एक 2 करोड़ की फैक्ट्री जाने के बाद इस आदमी की अमीरी तुम देखो, अमीरी देखो। 2 करोड़ की फैक्ट्री जाने के बाद उसने ये नहीं कहा कि प्रवचन में नहीं गया होता तो फैक्ट्री बच सकती थी। व्हाट आई वुड लाइक टू से, ही वाज इन द लेक्चर, ये भी तो बोल सकता था ना। आज यदि प्रवचन में नहीं गया होता तो मेरी फैक्ट्री 100% बचा देता, प्रवचन में गया और फैक्ट्री चल चुकी नहीं कोई चीज। तुमने कभी ऑब्जर्वेशन किया कि महाराज साहब 2 करोड़ के लॉस के बीच में ये मस्ती और 200 रुपए के चप्पल के बीच हमारी ये बदमाशी? चलो आगे चलता हूं। शरीर के रोग का कारण दूसरा हो सकता है मगर मन के विचार का कारण तुम खुद हो, बाकी कोई नहीं। दुनिया की कोई ताकत मेरे मन को बिगाड़ने की क्षमता रखती नहीं है यदि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मेरी परमिशन नहीं है तो। आई एम गिविंग द परमिशन। नंबर 1, मन नेगेटिविटी का, गलत विचार का, बैड थॉट्स का, डर्टी थॉट्स का, रॉन्ग थॉट्स का सर्जक है। आगे चलो, सर्जक तो है मगर सेकंड स्टेप संग्राहक है। संग्राहक दैट मींस स्टोरेज करके बैठता है। चलो ओके, सर्जक तो है। इस सभा में बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, शरीर में गंदगी पैदा हो गई, ओके, सर्जन तो हुआ शरीर में मगर शरीर का सबसे प्लस पॉइंट, शरीर गंदगी का सर्जन करता है, संग्रह नहीं करता है। समझा हमारे सुखे उसे, चाहे आपने खुराक लिया, पेट में मल पैदा हो गया मगर 1-2 दिन में मल निकाल देगा शरीर। पानी पिया, यूरिन पैदा हो गया, शरीर यूरिन निकाल देगा। अब गर्मी में चले, ये पसीना हो गया, बाहर निकाल दिया। नाक में से, कान में से जो भी, जहां भी गंदगी पैदा होती है वहां शरीर का नेचर है, वो संग्रह कर सर्जन कर सकता है मगर संग्रह तो कभी नहीं करता है, नेवर। आप मुझे बताओ कि गलत विचार का संजक तो मन है मगर संग्राग है कि नहीं है? बताओ, नहीं सिंसियरली। आज का प्रश्न, आज का गंभीर प्रवचन इसलिए है, हम जिंदगी भर तक ये बदमाश में से बाहर नहीं निकले मर जाएंगे। चलो हो गया सर्जन, अपनी
नहीं चाहते थे, मगर किसी भी गलती के कारण या कमजोरी के कारण आपने एक गलत विचार का सर्जन कर दिया। अभी संग्रह करना है कि निकलेट करना है, अभी निकाल देना है कि रखना है उनको। शरीर निकाल देता है, शरीर ना बोलता है नहीं ये रखूंगा नहीं, हो गया मेरी इच्छा बिना, मगर रखूंगा कौन, ये गलती की जरूरत क्या है। ये बहनों को पूछो, घर में कचरा का संग्रह नहीं करती है, कचरा पैदा हो जाता है मगर संग्रह नहीं करती, डस्टबिन है, झाड़ू निकाल के बाद निकाल देती है कचरे को। मैं पूछना चाहता हूं, हमने गलत विचार का सर्जन किया या संग्रह भी तो किया? शोधन भाई क्या हुआ, सच बोलो क्यों, अभी मुझे बताओ। चलो संग्रह सर्जक में तुम थोड़ी कमजोर पड़ गए, मान लिया, चलो संग्रह में क्यों, why you are interested? आपके ही परिवार में, मैं रिपीट करना चाहता, आपके ही परिवार में बेटे की शादी थी और शादी के हिसाब से तुमने 200 लोगों को आमंत्रण किया था, 190 लोग आए, 10 लोग नहीं आए। आपका फोकस किन पर, 190 आए उन पर कि 10 नहीं आए उन पर? कोई अभी आगे नहीं आए, ओके, एक मिनट के लिए तुम्हारा मन का फोकस चला गया, अभी वो सीधा डिलीट हो जाएगा कि अंदर सेव हो गया? वाई क्या है सर, बोलो उसमें क्या आनंद क्या आएगा? नहीं वही समझ गया मैं, तुमने संग्रह इसलिए किया कि माना साहब उनके घर में भी ये प्रसंग आने दो, मैं भी उनको दिखा दूंगा, यही ओके। मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये बदला लेने में आपको आनंद कौन सा आएगा? एक सर्जक करने की, सर्जन करने की तुमने गलती की, इससे भयंकर गलती संग्रह की थी, और इसलिए हमारे मां वेरम मज्जन अचेण शब्द है, किसी के प्रति वैर नहीं। वैर क्या है, गलत का संग्रह, वो है वैर। व्हाट इज द डेफिनेशन, ये वैर की डेफिनेशन समझ लो, किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया उनको स्टोरेज करना, ये वैर बना दिया तुमने। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, तुम वैर क्यों करना चाहते हो, वाई, क्या पाना क्या है? 2 साल के पहले किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, आज भी उनको स्टोरेज करके तुम क्या पाना क्या चाहते हो? बदला ले लिया, मानो 2 साल के बाद एक बार बदला लेने का मौका आया, मगर 2 साल तक तुम अपने मन को डिस्टर्ब करते रहे, 2 साल तक। सागर में तुमने छोटा सा पत्थर डाल दिया, वो बैठ गया, एक प्रसंग गलत हो गया, वो गया, अभी तक उसको मन में रखने की जरूरत क्या थी? दो साल के पहले तूने क्या किया था, कल तूने क्या किया था, परसों तूने क्या किया था, यही हमारे पास इतिहास है ना। सचमुच में बताना चाहता हूं, जिंदगी में हम वी आर रियली टू मच हैप्पी ड्यू टू दिस। दीक्षा जीवन के 52 साल में कितने लोगों के साथ कितनी अनबनी विपरीत प्रसंग हुआ, कोई कोई आज सेव नहीं है, सबको डिले। यहां बैठने वाली बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, ये क्यों सेव करके बैठी हो? कोई ऐसे समय में सास ने बहू को, बहू ने सास को, दीरानी ने जेठानी को, जेठानी ने दीरानी को कुछ कह दिया होगा, वो पोजीशन थी और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए कुछ अनप सनप शब्द बोल दिए, वो पोजीशन भी चली गई। अभी उनको सेव करके क्या करना है? अंग्रेजी का एक कोटेशन है, यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर, यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर, एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9 बजे गंगा नदी में आपने पैर रख दिया, 9:01 वो गंगा नदी गई, क्योंकि नदी का नाम वो ही रहा मगर पानी बहा। एक ही नदी में तुम दोबारा पैर नहीं रख सकते। मेरी बात करूं, कल का रत्न स्नर अलग था, कल के तुम भी अलग थे, आज मैं भी फ्रेश हूं और तुम भी फ्रेश हो। तो मैं आज आपके सामने कल के नेचर को लेकर के बात करूंगा तो मैं भी मार खा सकता हूं, आप भी मुझे कल को लेकर के देखेंगे तो आप भी तो गलत फहमी कर सकते हो। नई बात,
आज आप नए हो, आज मैं नया हूँ। नदी हर समय नदी नई होती है, तो आदमी भी हर समय नया होता है। उनको सेव करके आपको क्या पाना क्या है? इतनी बड़ी सभा में बोलो ना, क्या ईगो? क्या मतलब ईगो? क्या ईगो? ये कहता है कि कचरे का संग्रह कर लेना, नहीं बराबर है। सच बोलो, मुझे इतना बताओ, चलो ईगो की बात छोड़ो, एक बात बताएंगे आप, आउटपुट क्या है? चलो मुझे इतना बता दो, किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, उसको तुमने स्टोरेज कर दिया, उसका आउटपुट क्या? आउटपुट तो अच्छा नहीं ना, तो अभी मैं पूछना चाहता हूं, आपको जहां आउटपुट अच्छा नहीं मिलता है, वहां इनपुट तुम करते ही क्यों हो? सर बोलो, कभी दर्जी के पास गए होगे सदन में? दर्जी के पास कभी? अभी रेडीमेड आया, मैंने आ गया, माना दर्जी के पास जाना बंद हो गया, मगर एक समय था दर्जी के पास जाते थे, मैं भी तो गया था, बराबर। एक छोटा सा प्रश्न पूछो, आपने दर्जी के पास जाकर के कमीज का माप लिया, और चार साल के बाद आप वही दर्जी के पास कमीज बनवाने के लिए गए, और दर्जी ने बोली कि सुधन भाई आपका माप मेरे पास है, नहीं समझे तुम? दर्जी बोलेगा वो डायरी में से दिखा देगा कि आपका वो चार साल पहले आया था ना, वो माप है, अभी नया लेने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। क्या करेंगे तुम? इन्हें ना पढ़ सोने, मारे खाली एटू पूछू छे, तमारा एक खमीस नो माप जूनू एनी आगळ होय तो पण तमे एम कहो ए माप थी खमीस नहीं सीवता, नवू माप तमे लो, तो गई काले कोई माणसे तमारी साथे खराब व्यवहार कर्यो, तमे कही दो आ गई कालना माप थी तारी साथे वात नहीं करीश, आज नवा माप थी वात करीश। इतना सुझाव, 1+1=2, इतना सरल लॉजिक है आपके पास। अर्पण एक बात बता देंगे छोटा, आपने जो भी स्टोरेज किया है गलत को, आप इतना बता देंगे माना सर दो साल पहले का सब कुछ डिलीट कर दिया है, ना समझा ना मारू केवन? आप बोलो कि माना सर गत दो साल के पहले, दो साल के अंदर जिन जिन लोगों ने गलत किया ना, वो सबको मैं स्टोरेज करके बैठा हूं, मगर दो साल पहले की सब एंट्री मैंने क्लोज कर दी है। बोलो भाई कितने साल का स्टोरेज किया है? है क्या है? बस है पुरानी यादें, डिलीट करने की सिस्टम क्या? सिस्टम क्या? सीधी सिस्टम बताऊं, जिसका आउटपुट आपको आनंदित नहीं करता वो सब डिलीट कर दो। जिसका आउटपुट आपको टेंशन में लगता है, दुखी करता है, डिस्टर्ब करता है, उन सबको डिलीट कर दो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, बस नहीं, अभी नहीं, ये बिजनेस में मैं इनकम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आउटपुट में मार खाना तो क्या ये बिजनेस होगा तेरे लिए टॉप? मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सामने वाला शेयर बाजार में कोई कंपनी की बात बताएगा और बोलेगा इसमें ये शेयर ले, अब बोलेगा भाई माफ कर यार, 200 रुपये का शेयर 50 में जा रहा है, 150 का मार खाना, ऐसे में इन्वेस्ट करूंगा क्या? तो मैं सीधी बात बताओ, जिसमें आउटपुट इनपुट से विपरीत है वहां तुम इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो गलत सोच को इन्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आउटपुट आपको दुखी करता है। सच बोलो, खिसा मधी पैसा काटवा सेला के मन मधी फेर काटवू सेलू?
जूनागढ़ वसेला ये गाड़ी देखाड़ो ये नहीं देखाड़ता पाचा अजय कुछ ही लोग अहीं थी पाली थाना जब उसेलू के जेनी साथे मेल नहीं पड़तो है ना घरे जब उसेलू पाली थाना जब उसेलू क्या रे जब तूने क्या जी चढ़िया बहुना मुसाफिर हमें भुना रे पड़े जामा निकलिया था उकमनी दिशाए आथमनी हमें जी रे चढ़िया बहुना मुसाफिर हमें भुना रे पड़े बजारनुं नुकसान समझी सकाय छे बजारनुं नुकसान समझी सकाय छे शरीरनो रोग समझी सकाय छे मनना हलकट कोटीना विचारनो संग्रह समझी नथी सकातो वाय बियर स्टोरेज ત્રણ વર્ષ પેલા તમારા ભાઈએ તમારી સાથે કઈ ગલત કર્યું હતું સુખામ પણ યાદ છે આજ વર્ષો દીકરાને અભિને જોવાનો છે કે તારા કાકાએ આપણને બહુ હેરાન કર્યા હતા માટે તું શું પણ હા होगा मैं नहीं कहना मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं आपका नंबर यदि इसमें है तो प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी निकाल दो आपके लिए नंबर एक मन गलत का सर्जक है नंबर दो मन गलत का संग्राहक है नंबर तीन मन गलत का संरक्षक है संरक्षक माने समझे तुम जीत करके बैठा वो छोड़ेगा नहीं नॉट अंडरस्टूड क्या संरक्षक माने उनको बचाने का प्रयास मेरे जैसा गुरु भगवान आकर के आपको बोले भाई मान लिया चार साल पहले तेरे भाई ने तेरे से बदतमीजी की थी तेरा अपमान किया था तेरे अन्याय किया था और बिजनेस में तुझे सबसे बड़ा लॉस तेरे भाई ने करवाया था ओके चार साल से दिमाग में बैठा है मगर मैं कहता हूँ एक गुरु कहते कि दोस्त अभी छोड़ दे और जब तुम वो तैयार नहीं होते हो तब तीसरी कैटेगरी में गए संरक्षक सर्जक संग्राहक संरक्षक महाराज साहब दूसरी कोई भी बात करो ये बात मैं कभी नहीं छोड़ूंगा मौका आने तो एक बार इनको दिखा दूंगा ये संरक्षक भगवान खुद ऊपर से नीचे उतर जाए तो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है वो संरक्षक कई लोग हमने देखे महाराज साहब हमेरा आपस का संबंध है आप बीच में मत आना मुझे बोलने वाले मिले प्लीज महाराज साहब आप मत आना जहां भगवान भी फेल तुमने कर दिए गुरु भगवान भी फेल कर दिए ये संरक्षक गलत के सारी दुनिया के चढ़ में झुक जाऊंगा मगर महाराज साहब इनके लिए हड्डी तोड़ दूंगा ये भूमिका तुम्हारी आप अपने आप को चेक करना कि ये डिलीट नहीं किया वो क्या है सेव कर दिया आज के प्रवचन के बाद बाहर जाकर के डिलीट कर देंगे और यदि ये तुम्हारी ताकत तुमने नहीं पैदा की तो मैं मानूंगा तीसरे नंबर की कैटेगरी में तुम हो महाराज साहब चाहे महाराज साहब आप कुछ भी बोलो आप साधु बन गए चुके आपके मालूम नहीं हमारा संसार क्या चलता है हिसाब किताब पे चलता है ये यदि तुम्हारी सोच है तुम तीसरी कैटेगरी में गए गीतांजलि बोरीवली में मेरा प्रवचन था नाम आपका भरत भाई आए थे प्रवचन पहली बार थे मैं प्रवचन के बाद करीबन 10 मिनट तक मिलता नहीं कपड़े गीले हो जाते तो थोड़ी मेरी व्यवस्था है और मेरे साधु आए भाग्य सुनवाएंगे गुरुदेव एक भाई बार रो रहे हैं मैंने बोला उनको बोलो 10 मिनट के बाद में मिलता हूं वो गुरुदेव अभी ही मिलना चाहते हैं इज नॉट रेडी टू रिले सिंगल मिनट एट ऑल चलो ये व्यवस्था थोड़ी मैंने बुलाया अंदर
मानस से जिंदगी में पहली बार किसी मुनि का प्रवचन सुना, आज ये सुना। पूरे प्रवचन का आपका सब्जेक्ट लव था, प्रेम, और उसी चीज को लेकर के आपने इर्द उर्द इधर बहुत बात की। प्रेम का सबसे बड़ी ताकत है पहचान, है वो छोड़ सकता है। महाराज साहब, मेरे खुद के बड़े भाई के सामने कोर्ट में केस फाइल किया है। आपको ही मैं बताना चाहता हूं, महाराज साहब, बड़े भाई ने बदमाशी करके 2 करोड़ रुपया मेरा उठा लिया है। मेरी पत्नी ने, मेरी माँ ने, मेरे बेटे ने, मेरे पिताजी ने, सबने हाथ जोड़कर के मुझे कहा कि भाई के सामने केस नहीं करना चाहिए, मगर मानस से अड़के बैठा था। आज के प्रवचन सुबह आने के पहले वही मेरा फाइनल था, आज आपका प्रवचन सुना। मानस साहब इसी बोरीवली में कोर्ट में केस फाइल किया है। आप घड़ी में देख लो, मानस साहब करीबन 10:15 बजे। मानस साहब हृदय के आशीर्वाद दे दो, वास्तक्षेप डाल दो। मानस साहब कितने साल का चला हुआ ये वेयर आज मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दे दो। मानस साहब कोर्ट में जाकर के केस विड्रॉ करना चाहता हूं, और आपको मैं वचन देता हूं मानस साहब, 10:20 हुई है, मैं यहां से कहीं किसी के पास न जाकर के सीधा कोर्ट में जाता हूं। कोर्ट खुल चुकी है और 12 बजे के पहले आपके पास आकर के शुभ समाचार देता हूं, केस हमारा विड्रॉ हो गया। अब बास्केट डाल दो। सुजन भाई तार तार रोते उसको देखा है मैंने। 2 करोड़ के सामने, भाई के सामने ये बंटवारा का केस, पूरा घर माना सब डिस्टर्ब हो चुका है। अकेला मैं मजबूत हूं, हिला दूंगा, चमड़ी उतार दूंगा बड़े भाई की, मगर समाधान नहीं करूंगा। आज आपने आंख खोल दी, अने तुमने कहो 10-20 मिनट आशीर्वाद आपने भाई गया। 12 वाग्या पहला मारा साहब पांचवा अभिजी कोर्ट में केस विड्रो थे समाचार आप मंडे, अने 11:40 आया, चेहरा ऊपर हास्य तू। मारा साहब 2 करोड़ नो केस विड्रो थी गयो, ये तो बात छोड़ो साहब, फोन ऊपर भाई ने समाचार आप 14 साहब अमे बने रड़िया छे साहब। मान लिया संग्रह तक था संरक्षण, कोई ताकत माना साहब मेरे सामने, इनके सामने नो कॉम्प्रोमाइज, दिखा दूंगा इनको। यहां बैठने वाली और एक बार बताऊं, उन्हें फरी तुमने एक बार खरीदू, तुम्हें गंभीर कादी आवाज आंख सामने रखी लो, तमें बद्दा अने मारी साथे नी बात करू छू। आ दुनिया में कोई पण मानस एनी त्रण कसोटी में पसार थवू पड़े, एने अन्याय थाय, एनु अपमान थाय, एनी अवगणना थाय। रिपीट, आ दुनिया में एक पण मानस एवो नथी के जेने आ त्रण कसोटी में पसार न थवू पड़े। तमे साचा छो तो पण तमारी सामे अन्याय थशे, तमे बहु सज्जन हशो तो पण तमारू अपमान थशे, अने तमे खूब कामों कर्या छे तो पण तमारी अवगणना थशे, 100% थशे। चाहे मेरे पास मुनि की मनुष्य 3 में से मैं भी तो गुजर चुका हूं, गुरुदेव मेरे साथ अन्याय हुआ है, होने वाला ही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, गुरुदेव मेरा अपमान हुआ होगा ही, गुरुदेव मारी अवगणना थाय छे, कुटुंब मां रेवा छतां जाने कुटुंब मां नथी तो बधा मारी साथे बिहेवियर करे छे, थशे होगा नहीं होगा ही। અહીંયા બેઠેલા બધાને મનમાં એમ જ છે ને કે માણસ સાહેબ કારણ વિના મારી સામે કોઈ અન્યાય કરે તો એને શું કામ માણસ સાહેબ સહન કરો, આ જ વાત છે ને, મન આવું જ કે છે ને કંઈ, સાહેબ બોલો રામ કે સાથ ન્યાય હુઆ તો કે અન્યાય હુઆ તો, રામ કે સાથ જો હુઆ વો ન્યાય થા કે અન્યાય થા,
एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, पिताजी को राम नहीं बोल सकते थे कि शादी आपने की थी, वादा आपने दिया था, जंगल में आप जाओ, मैं क्यों जाऊं? नहीं, शादी तुमने की थी, वादा तुमने दिया था माँ को, तो तुम जाओ जंगल में, मैं आपका बेटा, मैं क्यों जाऊं? मगर अन्याय के सामने जवाब बहुत है, मगर आप अपने आप को चेक करना गुरुदेव, अन्याय भले हुआ हो, मीरा को जो सजा हुई वो न्याय की सजा थी क्या? मीरा कोई कोई वल्गल गीत गाती थी क्या? श्री कृष्ण का गीत गाती थी और खुद के घर में जहर का प्याला मिला, न्याय था कि अन्याय था? मैं आपसे, मीरा ने ऐसा कौन सा गलत काम किया था कि जिसको लेकर के उनका खुद का पति जहर का प्याला दे दे? क्या कहते हो? मीरा को अन्याय हुआ था, राम को अन्याय हुआ था, अब जितने भी महापुरुष दिखाई पड़े उन सभी को देखो, सभी के साथ अन्याय हुआ था। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, बोलो तुम्हारी कौन सी कैटेगरी, सर्जक, संग्रह या संरक्षक? मन में गलत सोच पैदा कर दिया, पहली गलती, गलत पैदा हो चुका था, कोई नहीं, डिलीट कर दिया तो बच गए, मगर स्टोरेज करके सेव कर दिया वो दूसरी गलती। और मेरे जैसे आने बोला कि एक काम कर, तेरा मन का मोबाइल दिखा दे, और आपने जो सेव किए थे विचार, वो टाइम मैंने बोला, भले ही 10 साल से सेव करके बैठा था, प्लीज अभी डिलीट कर दे, माने साहब आप इसमें बताओ मैं रखूंगा, ये है तीसरी कैटेगरी। सच बोलो आप किसकी मानते हो? एक बार बताओ शोधन भाई, भगवान को मानना आसान है मगर भगवान की मानना बहुत कठिन। भगवान को मानना बहुत आसान बात है ना, चैलेंज तो भगवान को मानना नहीं है, चैलेंज तो वो है भगवान की मानना। तमने हम लॉजिकली बे बात करूं, तमने हम कदाच बेसी जाए तो अर्पण क्यारे कोई कूतरा ने जोर से भसतो जोर से बराबर छे आशीष रस्ता में तमे पसार दो, अमारे तो घनी मार आऊ बने रास्ते में से चलते जेने जाते हैं, कुत्ता भोगता है, मगर क्या होता है मालूम है, इनकी एक बॉर्डर होती है, बॉर्डर नहीं समझे तुम क्या समझे, जैसे बॉर्डर क्रॉस कर दो कुत्ता वापिस। तुमने पूछू जी कि कोई नहीं आ रहे, तुम्हारे मेड न हो, हम बॉर्डर करी आ एरिया में बाहर निकला, पी मारा सर कई बात पूरी थी एवं करूँ, तुम्हारे भारत में कोई नहीं सर मेड न तो पड़े, हमें अमेरिका गए बॉर्डर क्रॉस, हम मेड करो नहीं। કૂતરાની કેટલી મોટી તાકાત તમને ખબર, એની બોર્ડરમાં એવું લાગે ચામડી ખેંચી છે, જરાક નીકળી ગયા રિવર્સ, કૂતરો પણ પ્રતિક્રમણ કરે, પાછો આવીને પ્રતિક્રમણ, જેને પ્રતિક્રમણ વોટ મીન્સ રિવર્સ કે એ પ્રતિક્રમણ। ચાલો એક બીજી વાત, કૂતરાનો સૌથી એક પ્લસ પોઈન્ટ એ કે બોર્ડર ક્રોસ કરો એટલે પાછો આવી જાય, અને બીજી વાત તમને પ્લસ પોઈન્ટ કહું, બોર્ડરમાં હોય તો પણ એનો માલિક એને બોલાવે તો પાછો આવી જાય, ખ્યાલ છે ને, ભલે બોર્ડરમાં છે પણ એનો માલિક જોઈએ તરત કૂતરો પાછો। ઘણી વાર અમે બિહાર કરતા જઈએ ને, ભાઈ કૂતરો બોર્ડરમાં જોઈએ, હોટલ આગળ હોય અને હોટલ માલિક એ પાછો આવું એટલે કૂતરો તરત પાછો। હવે મારે તમને પૂછ્યું, આ બેમાં તમે ક્યાં? અમને કૂતરા કહેવાય એવું નથી, બે ખાનદાની કૂતરાની બોર્ડરની બહાર નીકળી જાઓ એટલે એનો ક્રોધ પૂરો, અને બોર્ડરમાં પણ એક માલિક એને એવો હોય એની વાત 100% કૂતરો માને, તમારા માલિક કોણ? નહીં આપ ઇનકો મામૂલી મત માનના, યદિ કોઈ ગુરુ ભગવાન ભી આપકો રોક નહીં પાતે તો બસ બાત ખતમ ખતમ હો ગઈ। पालतू कुत्ता होता है वो किसकी मांगता है, पागल बन गया कुत्ता
हरिवार कहूँ, पाड़ेलो कूतरो कोकनी आज्ञा माने, हड़काया कूतरा कोई नहीं आज्ञा मानता नहीं। मेवा सासू बहुना संबंधो जोया छे, सासूए बहुना चरण में माफी मांगी छे रड़ी ने, अने घर स्वर्ग बनावी दीधुं छे। नंबर एक, सेव न करो, सेव थई गयो तो डिलीट करता वार न लगाओ, कोक तो गुरु पकड़ो। और नंबर चार की बात, सबसे बड़ी बात, नंबर एक मन सर्जक है, नंबर दो मन संग्राहक है, नंबर तीन मन, आप ही बोलो मन, मन, और नंबर चार मन समर्थक है। समर्थक, समर्थक दैट मीन्स ब्रीफ लेता है, ब्रीफ। मेरे जैसा उनको बोलेगा दोस्त तेरे भाई के किरा मारा साहब तुम्हें कहीं ना समझो, अब आराम करो तो चामड़ा उतारी ना खोज आ समर्थक। दस लोगों के बीच में जाकर के बात करें, छोड़ना नहीं, गुरुदेव को संसार छोड़ के बैठे वो इनकी बात करें, हम हमारी बात करेंगे। तबाह हो चुका घर, तबाह हो चुका। 2 साल पहले एक लड़के ने कूटने अपने बाप का मर्डर कराने के लिए 50 करोड़ रुपया की सुपारी दी थी, 50 करोड़ की। आज करोड़ों लोग मेरे प्रवचन टीवी के माध्यम से देख रहे, इसलिए मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, मेरे पास नाम है उनका। 50 करोड़ को लेकर के बेटा अपने बाप का मर्डर करा सकता है? किसी ने बोला उसने बोला यही दावता है मेरा बाप। खून करने के बाद पुलिस ने पकड़ा कि दोस्त ने क्या किया, जो किया वो बराबर किया। साफ बनके मेरा बाप संपत्ति पे बैठा था, काट डालना चाहता था, ये समर्थक। आदमी के शरीर में शैतान पैदा करने का काम समर्थन करेगा। साधु जी बन को सब सबके जी में संकुप तो इधर उधर बनता ही है ना। अरे एक बात तुमने कहो, तमारी साथे कोई है कहीं पर खराब कर रहे हैं, तुमने सलाह पूछो, दुख ने भूली जो ऊपर दुधपाक दुधमा दुखमा दी बोधपा ठेवा नहीं पूछो। फरी बात कहो, तमारी साथे कोई है खराब व्यवहार करे तो खराब व्यवहार ने भूली जो तमारी बोधपा ठेवा नहीं पूछो। बोधपा माने लेसन, किसी एक व्यक्ति के साथ तुमने डीलिंग की, उसने धोखा दे दिया और 25 लाख में तुम्हारा वो उसने हैरान कर दिया, अभी दोबारा वो डीलिंग करने के लिए लेसन ले लो भाई, बस हो गया बोल, अभी वो जोखम उठाना मैं नहीं चाहता, एक बार जोखम उठा लिया एवरीथिंग गुड गोइंग नाउ नॉट मोर। का प्रवचन लास्ट है, मगर आज ये बात मैं करना चाहता क्योंकि हर प्रश्न में घूम घूम के ये बात आती है, ना परिवार में शांति है, मन में शांति है, ना बिजनेस जमता है, और गुरुदेव दिमाग अशांत है, डिप्रेशन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन, ये 4 चीज है। नंबर 1 इज द टेंशन, 2 इज द इरिटेशन, नंबर 3 इज फ्रस्ट्रेशन, नंबर 4 इज द डिप्रेशन। जो भी प्रश्न मैंने देखे वो हर प्रश्न के इर्द गिर्द में यही बात है कि गुरुदेव इसमें से कैसे निकल आ जाए। अब ये मत मानना कि कपड़े पहने इसलिए वी आर हैप्पी, ये तो एक सिंबल है। इनके पीछे जो मानसिक ताकत है वो ताकत ये कि हम सर्जक ही तो नहीं बनते। फिर संग्राहक बनना, संरक्षक बनना, समर्थक बनना, बात ही कहां थी।
ask you any question due to this subject. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से बाहर निकलने के बाद मर्दांगी के साथ किसी के साथ ये स्टोरेज करके तुम बैठे हो तो उनके साथ जाकर के इनके चरण में गिर करके क्षमा मांगने की हिम्मत? एक बात बताऊं, करोड़ का त्याग करना आसान है मगर ईगो का त्याग करना पानी उतर जाएगा, पानी उतर जाएगा। सुधन में गले में गांठ हो, गले में गांठ क्या होता है? खुराक नहीं जाता है। रूमाल में गांठ हो, आप पैसे का संग्रह नहीं कर पाए, देने वाला दे तो देगा, आप संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि रूमाल पूरा गांठ से भरा है। गन्ने में यदि गांठ हो, गन्ना शेरड़ी आपने देखा होगा, गन्ने में जिस जगह गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, गन्ने में गांठ नहीं चाहिए, रुमाल में गांठ नहीं चाहिए, गले में गांठ नहीं चाहिए, मन में भी तो गांठ कैसे चाहिए? खाली एक नानकड़ी नानकड़ी बात तुमने आजना प्रवचन में जो तुमने बेचती है तो खरीदो, कम से कम बे वर्ष पहला थी, बे वर्ष पहला कोई तमारी साथे गलत व्यवहार करो हो एने तो तुम्हें माफ करी दो कम से कम। आटी पण सलाह आपता मने पेड़ा थाय बे वर्ष पर शू काम, पर तमने कदा लागे मारा साहेब पण केटला वर्षनी एंट्री, अर्पण चोपड़ानी एंट्री पण केटला वर्षथी खेचा दियो तो माफ थाय? तमने कितना त्रण वर्षे जाए ने तो आपने इतनी लिमिट रखी है ना, ना क्या तमारी आ रहे जो त्रण वर्ष नहीं वधारे में वधारे मुदत पची लो बधु पूरु थी तो आप तमे आज एटलो पछाण करी लो मने से त्रण वर्ष पहला कोई पण मारी साथे कोई पण प्रकारनो गलत व्यवहार कर्यो छे आजथी मारा साहेब ए व्यक्ति माटेनी ए बात डिलीट, एनो हवे संग्रह नहीं। જેટલા પૈસા રાખ્યા બધા મને આપી દો લોકરમાં, એવું તો કઈ કહેતો નથી, હજી તમને પૂછ્યું સાચું બોલો, હવે હવે સોદનમાં એમાં તકલીફ કે ત્રણ વર્ષ પહેલાની બધી એન્ટ્રી કાઢી નાખો એમાં તકલીફ શું? નહીં તમને મળે છે શું મને જાણવું છે? મન માંકડા જેવું હોય સારું, મન માંકડા જેવું હોય તો એટલા માટે સારું કે વાંકડો એક ડાળથી બીજી ડાળે ખુદે નહીં, તો તમે ખુદાવો હું કહું છું એ માંકડાને, તો તમને બદલાવી દે ને, તમે મને પથ્થર જેવું બનાવ્યું સાહેબ, તમે ગમે એટલું કહો ફેરફાર નહીં થાય, ત્રણ વર્ષ પહેલાની એન્ટ્રી કાઢી નાખતા શું તકલીફ, અને રાખ્યા પછી તમને ખબર નથી જો પરલોક જેવી ચીજ તમે માનતા હો તો તમને કહું આ બધા જ વેરના સંસ્કાર ભવાંતરમાં તમારી સાથે આવશે, આંખ બંધ થઈ ગયા પછી બધી દુશ્મની તમારી સાથે, મોટો લોસ જો આપણા જીવનમાં થવાનો હોય તો આ કોને પકડીને બેઠા છે? કેટલા ગામે કામ બદલાય, કેટલા પાણી બદલાય, કેટલા ખોરાક બદલાય, હજારો જગતના હજારી જાતના અનુભવ થાય, બસ આગળ ચાલો, છોટા સા લડકા થા
अपने घर में एक व्यवस्था थी, पिताजी और लड़का दोनों साथ में एक थाली में भोजन करते थे। और एक दिन लड़के को कुछ जम गई, थाली अलग लेकर के बैठ गया और बोल दिया, पिताजी आज आपके साथ नहीं भोजन करूंगा। बाप ने बोला, बेटा जब से तेरा जन्म हुआ तब से घर में व्यवस्था चली है, मेरा और तेरा भोजन साथ में चलता है, प्लीज आ जा। ना बोल दिया ना। छोटा लड़का करे तो क्या करे बाबू। और पिताजी बहुत समझाने के प्रयास में लगे, मगर लड़का जब नहीं झुका और लड़के ने थाली में से रोटी उठाई और पिताजी देखते रहे। ये पहली बार यदि डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, पहली बार ये व्यवस्था टूटी, फिर ये व्यवस्था को जोड़ना बहुत मुश्किल बन जाएगा। आज तक मैं और मेरा बेटा थाली में भोजन साथ में करता था, आज एक अलग रोटी टूट गई। जैसा ही बेटा मुंह में रोटी डाली, इनके पहले सोचा नहीं था बेटाजी ने, पिताजी खुद इनके पास आके बैठ गया और एकदम बेटा के पास बाप आ गए तो बेटे को देखना पड़ा, पिताजी क्यों आने। पिताजी सरस मजे नो जवाब आप, इतना मटे रोज तू मारी साथे जमतो तो नहीं, आज हूं तारी साथे जमीस, बात पूरी थो, बस इतना ही करना है। जब ऐसा लगता कि बेटा अपनी बात पे अड़के बैठा है, बाप सामने होकर के झुक जाओ, मगर ये डिलीट खत्म कर डालो। वैरम बच्चन के नहीं, किसी के साथ मेरा वैर का भाव नहीं है। नोवन मिट्टी में संभव हुए सो वैरम बच्चन कणी, दो शब्द सारे जगत के जीवों साथ मेरी मैत्री है और वैर किसी के साथ नहीं। मैं चाहता हूं निर्वैर मन, ये अंतर की बहुत बड़ी समृद्धि है। निर्वैर मन, किसी के प्रति वैर का भाव न हो, मन की श्रेष्ठ कोटि की समृद्धि है। कोई दुश्मन नहीं मेरे प्रति, किसी को दुश्मनी हो इनका प्रश्न, मगर मुझे किसी के प्रति नहीं है। आपको मेरे जीवन का पता ना तो मैं बताऊं, मेरे जीवन का बहुत कुछ नाम है, ऋषि है, श्रमण है, यति है, मुनि है, ऐसे बहुत नाम में एक नाम वो है साधु निर्ग्रंथ है। जिसके हृदय में किसी के प्रति गांठ न हो वो मुनि है। ये रजोरन हाथ में है वो साधु है, गारंटी नहीं, मगर किसी के प्रति मन में गांठ का भाव नहीं, वो ही तो निर्ग्रंथ था। मैं चाहता हूं दाऊद में इतने दिन से प्रवचन कर रहा हूं, कल के प्रश्नों को देख करके लगा कि यह समाधान देना ही पड़ेगा। कहीं किसी को पिताजी से नहीं बनती, किसी को सास से नहीं बनती, किसी को भाई से नहीं बनती है, मगर बस सच बताऊं गरीबी कम बहुत है वो प्रश्न कहीं नहीं आया, शरीर में रोग कम है वो प्रश्न कहीं नहीं है, परिवार में गुरुदेव प्रेम नहीं है और मन अशांत है, ये दो ही प्रश्न हर प्रश्न के केंद्र में था। लगा कि अलग अलग प्रश्न का जवाब देने के बदल एक ही ऐसी बात करूं ताकि सभी को समाधान मिल जाए कि क्या करना चाहिए। गलत का सर्जक, गलत का संग्राहक, गलत का समर्थक और गलत का संरक्षक और नंबर चार समर्थक। मैं चाहता हूं इस गलत एटीट्यूड से हम अपने को मुक्त कर दें। और मेरा जीवन यदि ऐसा है तो ये ताकत मेरी नहीं थी, ये विरासत में मिली हुई चीज है। मेरे पिताजी महाराज सबसे देव सुंदरी महाराज, आपके पिताजी भुवन भानु समाज और आपके गुरुदेव का नाम प्रेम सुरेश्वर जी महाराज,
जिनकी पूरी पहचान वात्सल्य महोदधि के नाम से होती थी। दूर 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 तक आपके हृदय में तुम प्रवेश करो तो एक भी जीव के प्रति कहीं भी न दुर्भाव न दुश्मन, ऐसी उत्तम परंपरा विरासत में हम सबको मिली है। नंबर एक में शायद मैं भी कभी आ जाता हूं, दो में आया तो भी उनका टाइम कोई लंबा नहीं था, तीन और चार तो प्रश्न ही नहीं आता है। एक ऐसे महापुरुष, आज के जमाने में ऐसा जीवन जीना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, मगर ऐसे जीवन जिसने जिया वो जिन शासन के जवाहिर पूज्यपाद आचार्य भगवान प्रेमेश्वरी शिवजी महाराज आपके जीवन के एक ऐसे प्रसंग पर फोकस करने का काम दीक्षा दानेश्वरी पूज्यपाद आचार्य भगवान गुण रत्न श्री सुमन के प्रशिष्य रत्न मुनिराज श्री यश रत्न विजय जी ने एक अपनी अद्भुत शैली में एक गजबनाक मैसेज आपको मिले पढ़ते पढ़ते, जिस महापुरुष को वो मुनिवर ने देखा नहीं वो महापुरुष का ये आंतरिक समृद्धि वैभव अपनी कलम से कागज पे लिखना और पढ़ने वाले के लिए सोचने को मजबूर कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम श्री श्री महाराज ने काल धर्म पामने 50वें वर्ष पूर्व 5 दिवस पहला से वैशाख वद 11 एना उपलक्ष्य में आ मुनिराजे પોતાના હૃદયના ભાવો ઠલવ્યા, એક પુસ્તકમાં જેનું નામ રાખ્યું સાધનાનો સંકેત। 20 મિનિટનો ટાઈમ છે, શોધનભાઈ પુસ્તકનું વિમોચન કરવાનું છે, કરી દો। જે હોય પણ જલ્દી આવો, કોઈ મહેરબાની કરીને 2 મિનિટ માટે ઉભા નહીં થયા, તરત પતે છે અર્પણ। આઈ સરળ મજીના પુસ્તકનું વિમોચન છે, જલ્દી શિબિર પણ છે, આજે રાતનું પ્રવચન પણ છે, કાલની શિબિર પણ છે, કાલનો વિહાર ક્યારે છે અભી નક્કી થશે, કાલનું પ્રવચન ખાસ યાત્રા શાંતિની ક્રાંતિ તરફ આ વિષય ઉપર ખાસ સાંભળવા આવજો, અને આજીવન સભ્ય જેને બન્યા બનવાનું હોય જય નામ જયતી આ પુસ્તકની કિંમત ₹350 છે, કારણ કે 4 કલર આની વેલ્યુ તો ખબર નથી, પ્રાઇસ છે આપણી 350નું પુસ્તક આજે ખાલી 100 રૂપિયામાં, 250 રૂપિયા કન્સેશન સુરતવાળા ભાઈ તરફથી જ છે, જેને પણ જોઈ તો એ બહાર ઉપલબ્ધ થશે। આજીવન સભ્ય જેને પણ બનવાનું હોય, હજી બાકી હોય, આવતીકાલ સુધીમાં બની શકશો, આવતીકાલે હા એક Thank you.
यात्रा शांति की क्रांति तरफ खूब सरस मजेनो माहौल दावोदना नाना संघ में आवानु पहली बार बन्यू खूब आनंद आयो चारे बाजू की भागशाड़ी खूब बदा में सरस मजेनो लाभ लीधो ए अंगेनी पण केटली सरस मजेनी वातो आवती काले प्रवचन में आपणे आज जगह करशुं જાહેર કરવામાં આવે છે તમે વધાવી લેવા વિનંતી આ સિવાય પણ હું પૂજ્યશ્રીને જ્ઞાન ખાતામાં કઈ પણ જરૂર હોય તો દાવોશ્રી સંઘની તૈયારી હું બતાવી રહ્યો છું જય જય.